प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेकर आया हूँ। यह जीवन परिचय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है ना। यह जीवन परिचय नागार्जुन का, किसका है? नागार्जुन का यह जीवन परिचय। सबसे पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद इसकी प्रमुख रचनाएँ, फिर इसके बाद काव्यगत विशेषताएँ, भाषा शैली। फिलहाल इसका जीवन परिचय। सुप्रसिद्ध जनवादी कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। यानी कि सुप्रसिद्ध जनवादी जो कवि है नागार्जुन, इसका जो वास्तविक नाम यानी कि जो मूल नाम था, वो था इसका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, ठीक है ना। उनका जन्म बिहार प्रदेश के दरभंगा ज़िले के सतलखा नामक गांव में सन 1911 में हुआ। कहां पर हुआ था? यानी कि उनका जन्म तो बिहार जो राज्य जो बिहार प्रदेश है वहाँ का एक दरभंगा ज़िला है सतलखा नामक गाँव में सन 1911 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। अल्पायु में ही इनका माँ का देहांत हो गया। कम आयु में इनका माँ का देहांत हो गया। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका लालन पालन हुआ। कहाँ पर हुआ था? रूढ़िवादी ब्राह्मण लालन पालन कि इसका लालन पोषण हुआ था, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई। कहाँ पर हुई थी इसकी जो प्रारंभिक शिक्षा? वो थी स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई थी इसकी प्रारंभिक शिक्षा। सन 1936 में श्रीलंका में जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। कहाँ पर जाकर? श्रीलंका में जाकर 1936 में बौद्ध धर्म में इन्होंने दीक्षा ले ली, ठीक है। उसके बाद है राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण अनेक बार उनको जेल भी जाना पड़ा। यानी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण अनेक बार नागार्जुन को जेल जाना पड़ा था। बाल्यावस्था में कष्टों और पीड़ाओं को भोगने के कारण इनके काव्य में पीड़ा का अधिक महत्व, यानी इन सब के बावजूद, इन दुखों के बावजूद इनकी जो काव्य में पीड़ाओं का अधिक महत्व है। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। कब हुआ था नागार्जुन का देहांत? सन 1998 में इसका देहांत हो गया था, ठीक है ना। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद हम चलते इसकी प्रमुख रचनाओं पर। प्रमुख रचना हम सबसे पहले इसका काव्य नंबर एक पर जो इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने लिख रहा कि युग धारा, ठीक है ना। प्यासी पथ राही आँखें, ठीक है। प्यासी परछाई, तालाब की मछलियाँ, ठीक है। आगे फिर तुमने कहा था खून और सोले, चना जोर गरम तथा भस्मांकुर खंडे कावे हैं, ठीक है ना। एक बार मैं आपको फ्री रिपीट करा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है ना। जैसे कि कावे में युग धारा, प्यासी पतराई आके, प्यासी परछाई, ठीक है। तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था खून और सोले, चना जोर गरम तथा भस्मांकुर खंडे काव्य, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे मिलता है हमें नंबर टू पर, वो मिलता है उपन्यास। अब उपन्यास में हम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। वरुण के बेटे क्या है? वरुण के बेटे हीरक जयंती, नई पौध क्या है? नई पौध कुंभी पाग और उग्र तारा, ठीक है ना। एक बार फिर रिपीट कराते तो वरुण के बेटे हीरक जयंती, नई पौध कुंभी पाग और उग्र तारा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहाँ तक कंप्लीट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। जैसे कि अपने दीपक हिंदी मासिक क्या है? अपने दीपक हिंदी मासिक तथा विश्व बंधु साप्ताहिक का संपादन भी किया है। किसका? अपने दीपक में हिंदी मासिक और विश्व बंधु साप्ताहिक का भी संपादन किया है नागार्जुन ने, ठीक है ना। मैथिली में रचित काव्य रचना पर, कौन सी मैथिली रचित काव्य रचना पर इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। कौन सी रचना पर मिला? मैथिली रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। उसके बाद आता काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं लिखना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नागार्जुन एक जनवादी कवि हैं। क्या है? जनवादी, यानी कि लोगों के महत्व के कवि हैं। अतः इनका काव्य मानव जीवन संबंध है, ठीक है न। कुछ रचनाओं में इन्होंने सामाजिक विषमताओं तथा राजनीतिक विद्रोहताओं में व्यंग किया है, ठीक है ना। उसके बाद इस प्रकार प्रगतिवादी विचारधाराओं के साथ साथ प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण किया है। यानी कि इस प्रगतिवादी विचारधाराओं के साथ साथ कवि ने प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण किया है, ठीक है। अन्यत्र
क्या है, अन्यत्र ये प्रकृति वर्णन में भी रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं। क्या कह रहा, अन्यत्र प्रकृति वर्णन में भी रुचि लेते हुए दिखाई देते हैं। इनके समूचे काव्य में देश प्रेम की भावना विद्यमान है। क्या कह रहा है, इनके समूचे काव्य में देश प्रेम की भावना विद्यमान है। अब चलते हैं हम इसकी भाषा शैली पर, वे भी लिखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाषा शैली इसकी इस प्रकार है, जैसे कि मैंने लिख रखी है, आप ऐसे लिख सकते हैं, नागार्जुन की भाषा खड़ी बोली है, यानी जो नागार्जुन की जो भाषा वो खड़ी बोली है, ठीक है ना। उसके बाद लेकिन इन्होंने खड़ी बोली के बोल चाल का रूप भी अपनाया है, यानी इन्होंने खड़ी बोली के बोलचाल रूप भी अपनाया है, ठीक है। उसके बाद जनवादी कवि होने के कारण इनकी भाषा में ग्रामीण और देशज शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया है, यानी कि जनवादी कवि होने के कारण इनकी जो भाषा है उनमें ग्रामीण और देशज यानी कि देशों का शब्दों का भी अधिक प्रयोग किया है। उसके बाद आते हैं, इन्होंने अपनी कविताओं में श्रृंगार वीर तथा करुण तीनों रसों को समाविष्ट किया है। क्या कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी कविताओं में श्रृंगार रस, ठीक है, वीर रस तथा करुण रस, इन तीनों रसों को समाविष्ट किया है, ठीक है ना। उसके बाद आता है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग है, ठीक है, कुछ सथलों पर, क्या है, कुछ सथलों पर प्रतीक विधान तथा बिंब योजना भी देखी जा सकती है। क्या कह रहा है, यानी कि कुछ सतलों पर प्रतीक विधान तथा बिंब योजना भी देखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दो लाइक, चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में एक घंटे उसको प्रेस कर दो। मिलते हैं एक नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।